ऑडिबल है मेरी आवाज? ओके, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सभी को। आज क्वेश्चन देखो स्टार्ट करेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। तो पूरा फोकस रखना इस बात पर। देखो आज का देखो क्वेश्चन क्या है। पहला ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। बताओ इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हर डिस्टेंस पर कैसा होगा? अलग 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 होगा। जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। है ना? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। मैंने कैसे बोला? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसकी वजह से? मी नॉट अपॉन 4π2i/x। एक्स यहाँ पे क्या होता है? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। है ना? बस आप लोग रिस्पॉन्स करते जाना, एक बार आपको समझ में आते आती है आप रिस्पॉन्स करते जाना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो पहली बात ये हो गई कि इस वायर से किसी डिस्टेंस पर कैसा है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सोचना और बताना। ये एक लाइन है और इस लाइन पर क्यू चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी वी से छोड़ा गया है। एक्स नॉट डिस्टेंस पर क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड चार्ज पार्टिकल। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड चार्ज पार्टिकल, ये निकालना है। तो अब देखो क्या होने वाला है। ध्यान से सभी लोग इतना नोट करने के बाद फ्री हो जाओ। इतना नोट कर लो कम से कम, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो और बताओ मुझे कोई नोट हो गया क्या। क्या नोट हो गया? ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आने बेटा, अब देखो ये चार्ज पार्टिकल एक्स नॉट डिस्टेंस पर वी वेलोसिटी से इधर फेंका गया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, क्या इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा? बताओ फोर्स लगेगा क्या? फोर्स लगेगा। किस तरफ फोर्स लगेगा और कैसे घूमने घूमेगा ये? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? अंदर। फोर्स कहां लगेगा इस पे? इस पर फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू भी हम लोगों ने पढ़ा था, कल पढ़ा था हम लोगों ने। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। अब जैसे ये आगे बढ़ा तो बताओ क्या होगा इसके साथ? ये घूमना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा इसकी हर जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी।
यहां से एक्स नॉट डिस्टेंस पे अलग। तो जब ये बी चेंज होगा, जब ये बी चेंज होगा तो बताओ क्या होगा, लगातार रेडियस भी चेंज होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार चेंज होगी, बताओ। है ना? तो इसका पाथ अब सर्कुलर नहीं होगा, मतलब कुछ और होगा, लगातार इसकी जो वो है इस तरीके से हर जगह पे क्या रेडियस अलग अलग होगी। अभी ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी क्या मिनिमम होगी, ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब हमें ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब देखो और समझते हैं इसको ध्यान से। किसी भी वक्त इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, हर वक्त इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो इधर पे होगा वी एक्स, एक नीचे होगा वी वाई, बताओ। इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के पास, एक वी एक्स और वी वाई। जब ये चार्ज पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, जब ये इधर होगा तो वी वाई की वैल्यू क्या वी हो जाएगी और वी एक्स की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, बताओ। जब ये इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पर वी एक्स की वैल्यू जीरो और वी वाई की वैल्यू नीचे की तरफ वी हो जाएगी, बताओ। मैंने पूरी जर्नी के दौरान स्पीड कहीं पर चेंज इसलिए नहीं की, क्योंकि हमें ये पता होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है कितना होता है, जीरो, वो कभी भी स्पीड में चेंज नहीं करता है। तो इस तरीके ये पाथ हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस बीच में जर्नी में, बीच में किसी एक्स डिस्टेंस पर बात करता हूँ, एक्स डिस्टेंस पर बात करता हूँ मैं, यहां पर मेरे पास एफ वेक्टर, देखो फोर्स वेक्टर कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी होगा, है ना। अब बताओ वी वेक्टर, बताओ कितना होगा, वी वेक्टर वी एक्स आई कैप नेगेटिव माइनस वी वाई जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख रहा हूं मैं, मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स, देख लो और समझ लो। और ये भी मैं लिख रहा हूं माइनस के वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ कौन सी लाइन समझ में नहीं आई, क्या ये वेलोसिटी वेक्टर समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर समझ में आया, बताओ। इतना नोट करो फिर अगले पेज पे चलते हैं, इतना नोट कर लो फिर अगले पेज चलने वाले हैं, ओके। चलो वेलोसिटी वेक्टर जो आया वो आया माइनस वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स माइनस के कैप। अब हम निकालते हैं यहाँ से फोर्स वेक्टर, निकालते हैं कितना आएगा, क्यू वी
क्रॉस बी होता है। चलो आप लोग निकालो यहाँ पे फोर्स वेक्टर कितना आएगा, है ना, करो। वी एक्स को नेगेटिव में क्यों लिया है, वी एक्स को नेगेटिव में क्यों लिया है। देखो ये जो डायरेक्शन है वी एक्स की कौन सी होगी, इधर आप पॉजिटिव एक्स मानते हैं, इधर कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स। ऊपर पॉजिटिव वाई तो नीचे नेगेटिव वाई, बाहर पॉजिटिव जेड अंदर नेगेटिव जेड। क्यू मी नॉट अपॉन, ये काट दे रहा हूं मैं टू से, ठीक है, टू पाई आई अपॉन एक्स। अंदर देखो कितना बचा मेरे पास, ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया, इस माइनस से कट जाएगा, आई आई कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, आई कैप क्रॉस के कैप होता है माइनस जे कैप। वी एक्स आ गया वी एक्स माइनस जे कैप। अब देखो जे क्रॉस के कितना होगा, प्लस आई कैप, यानी वी वाई आई कैप। ये आ गया मेरे पास फोर्स वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखते जाना फोर्स वेक्टर आ गया। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्यू मी नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन एक्स वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप। अब ये सिंपल सी मैथमेटिक्स चल रही है सॉल्व करने वाली। ये क्या है देखो, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स कंपोनेंट, ये क्या होता है, वाई कंपोनेंट। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिखने वाला हूं मैं, क्यू मी नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन एक्स और ये वी वाई, फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना है मेरे पास, क्यू मी नॉट अपॉन टू पाई आई वी एक्स अपॉन एक्स। साइन कैसा, नेगेटिव। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन बताओ कितना होगा। अब मैं क्या लिखने वाला हूं देखो, बार बार काफी नहीं लिखूंगा, क्यू म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई को मैं लिखूंगा, जहां पर ये लिखा है ना इसको मैं कुछ लिख दूंगा कैपिटल ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, जहां पे ना क्यू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, ये बार बार ना लिखना पड़े इसकी जगह पे मैं ए लिखूंगा। तो अब देखो ए एक्स कितना हुआ, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एफ अपॉन एम, ए वी वाई अपॉन एक्स, अपॉन कर दिया मैंने मास। बताओ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन समझ में आया सभी को, बताओ इतनी बात है ना। अब देखो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ए वी एक्स अपॉन एक्स साइन नेगेटिव। अब किसी ने पढ़ा हो देखो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, सॉरी वी स्क्वायर, स्पीड तो हमेशा वही रहेगी, देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इतना नोट हुआ सभी का, बताओ यहां तक लास्ट लाइन तक,
नोट करते जाओ, मैं इसी पेज पे लिखूंगा, मैं इसी पेज पे लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ का मैं मिटाने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट पूछ लो अभी फटाफट, कोई कैलकुलेशन बात समझ में आई हो, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ए एक्स, प्रवीण कुमार गौरव, ए एक्स समझ नहीं आया। एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एम। तो हमने देखा ये मेरे पास फोर्स वेक्टर आया था, आई कैप वाला जो होता है ना, आई कैप वाला, उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जो वाई वाला होता है उसको बोलते हैं जे कैप वाला, उसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये आया, वाई कंपोनेंट फोर्स ये आया, मैंने फोर्स अपॉन क्या कर दिया, मास, क्या गया मेरे पास, एक्सीलरेशन। ओके, चलो अगले पेज चलते हैं। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की लिखने वाला हूँ, देखो क्या आएगी। वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई डी वी वाई इक्वल्स टू जीरो। वी एक्स डी वी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी वाई डी वी वाई, इक्वेशन नंबर वन। ए एक्स इक्वल्स टू होता है कोई भी एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है देखो, वी डी वी अपॉन डी आर। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन में कितना हो जाएगा, देखो वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, ए वाई वी वाई डी वी वाई अपॉन डी वाई, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो आप लोग, एक्सीलरेशन की क्या इक्वेशन है, देखो ए एक्स की वैल्यू उठा के रखो, यहां पर आप ए एक्स जो निकाला था ना, उठा के रखो, यहां पे क्या निकाला था हम लोगों ने, ए वी वाई अपॉन एक्स, देखो क्या यही है, देखो ए वी वाई अपॉन एक्स इंटू एम और है बस। ठीक है, ये आ गई, देखो अब देखो ठीक है, अब देखो यहां पर जहां पे वी एक्स डी वी एक्स लिखा है, इसकी जगह पर बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या ये लिख सकते हैं बताओ, इस स्टेटमेंट की जगह पे ये लिख सकते हैं बताओ, यानी माइनस वी वाई डी वी वाई अपॉन डी एक्स, ये वी वाई से वी वाई कट जाएगा, बता देखो क्या आया मेरे पास इक्वेशन, क्या बनी मेरे पास, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन, सॉरी माइनस एम अपॉन ए, माइनस एम अपॉन ए डी वी वाई। अब क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट से कहां जाना है, x इक्वल्स टू डी,
वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, जब एक्स इक्वल टू एक्स नॉट था तब वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट कितना था बताओ। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना था, देखो एक बार डायग्राम में, डायग्राम में देखो वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट कितना था, जीरो। एक्स इक्वल टू डी पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, देखो वी या माइनस वी, वी या माइनस वी, माइनस वी। अब क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इसको क्या कर दें इंटीग्रेट, तो क्या क्या आएगा देखो मेरे पास, एल एन डी अपॉन एक्स नॉट एम अपॉन ए साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वी ठीक है। अब बताओ क्या मुझे ए पता है, तो डी कितना देखो हुआ यहां से एक्स नॉट ई की पावर एम अपॉन ए वी आ गया, देखो मेरे पास आंसर मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स नॉट ई की पावर एम अपॉन ए इंटू वी ठीक है। क्या ए मुझे पता है, ए की वैल्यू मुझे पता है, रख देंगे वैल्यू यहां पे, आंसर आ जाएगा अपना हो गया नोट ना, पूरा नोट हो गया पूरा। ओके चलो ठीक है, चलते हैं आगे। कल हमने देखा था वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा तब, जीरो। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस परपेंडिकुलर हुए तो पाथ कैसा हो जाएगा इसका, सर्कुलर है ना, और रेडियस कितनी हो जाती है, एम वी अपॉन क्यू बी। क्लियर यहां तक बात थी कल की। अब देखो दो कंडीशन ले ली, अब मेरे पास क्या है कि दोनों के बीच में कुछ एंगल है, जीरो के बीच कुछ एंगल है, तब देखो क्या होगा, तब देखो क्या होगा ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बीच में एंगल है थीटा। तो पहला काम आप क्या करेंगे, तुरंत ही
इस वेलोसिटी को तोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा वी साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा वी कॉस थीटा। आप तुरंत ये बोलेंगे ये कंपोनेंट क्या देगा, स्ट्रेट लाइन में ले जाएगा। ये कंपोनेंट क्या देगा, सर्कुलर पाथ देगा। इतनी कहानी में कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है वी साइन थीटा, इसको कैसे घुमाएगा? देखो ऐसे घुमाएगा, बताओ सर्कुलर पाथ ऐसे लाएगा, और ये वाला इसको कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। बताओ ये v cos थीटा इसी सर्कुलर पाथ को कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो अब देखो पाथ कैसा होगा, बताओ क्या सभी को समझ में आई बात ये अली? क्या सभी को ये पाथ समझ में आया? बताओ पवन समझ में आ गया, निहारिका समझ में आ गया, प्रवीण समझ में आ गया, ओके सबको समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछता है इस पाथ का नाम क्या होगा, तो इस पाथ का नाम होता है हेलिकल पाथ। क्या नाम होता है उसका? हेलिकल पाथ होता है नाम। इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ बोलते हैं। दूसरी बात ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ रही है बार बार, ये क्या है बताओ? ये डिस्टेंस क्या है? क्या वन रिवॉल्यूशन में इन वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन है? बताओ क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस मेरे पास आ रही है, क्या ये डिस्टेंस एक चक्कर में आगे की तरफ बड़ी डिस्टेंस है क्या? बताओ बाकी लोग बताएं। अन्य बताओ आगे की तरफ बढ़ के डिस्टेंस नहीं वाली एक चक्कर में है ना? ओके क्या बताओ, एक चक्कर में लगा, एक चक्कर वाला वक्त मुझे पता होता है क्या? मुझे टाइम पीरियड पता है बताओ? कल सीखा था हम लोगों ने 2πm/qb, ये था अपने पास टाइम पीरियड। अब आगे की तरफ कौन ले जा रहा है, कौन सी स्पीड आगे ले जा रही है? v cos थीटा है ना, कौन ले जा रही है? v cos थीटा ले जा रही है। तो बताओ d कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम कितना हुआ? देखो 2πmv cos theta upon qb। इसको बोल देते हैं, इसका नाम होता है पिच। इस हेलिकल पाथ का पिच क्या होगा? ये होगा। टाइम पीरियड कितना होगा? 2πm/qb। उस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी? m। कितनी स्पीड है उसकी? v साइन थीटा, जो घुमाने वाला इसको है, जो सर्कुलर पाथ में ले जाने वाला है, उसकी स्पीड कितनी है? m v साइन थीटा अपॉन qb। बताओ सही है सभी का?
सबको समझ में आ गया पूरी कहानी इसकी, हेलिकल पाथ की। चलो बहुत अच्छे। चलो प्लेनेट में किस तरीके का मोशन होता है? प्लेनेट का मोशन तो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम लोग, और मोशन कैसा होता है उसका? इलेप्टिकल पाथ में होता है। और प्लेनेट के बीच में सन और प्लेनेट के बीच में होता है इलिप्टिकल पाथ होता है। जितने ही पाथ होते हैं मैक्सिमम इलिप्टिकल पाथ ही होते हैं, ये सब सभी पाथ इलिप्टिकली होते हैं सन के अराउंड। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम होता है प्रवीण, उसका पाथ अलग होता है ना? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है टू बी नॉट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है बी नॉट, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, एक डिस्टेंस है जहां पर एक चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है इधर पे, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंट्री करता है और डी डिस्टेंस से, ठीक है? डी डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है एम वी अपॉन क्यू बी नॉट, ठीक है? डी इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी नॉट, इसका पाथ वो है दूरी है ये वाली, यहां से एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर भेजा जाता है। अब बताना इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, कहां से जाएगा, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा? बनाओ आप लोग, सभी लोग सोचो उसके बारे में कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। ये डॉट है, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली डॉट का मतलब प्लेन के बाहर है,
बनाए आप लोगों ने, बताओ। ये देखो ऐसे आएगा, बताओ। पहला वाला, पहले वाले इस सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा, बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके अंदर आने पर 2B0 हो गई, यानी रेडियस कितनी हो गई इसकी, रेडियस कितनी हो गई इसकी, हो गई पहले रेडियस कितनी थी, इतनी रेडियस थी, तो ये इतना आराम से घूम गया यहां से यहां तक। अब ये नीचे जा रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक कितना मेरे पास हो गया, डबल हो गया। अब बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी आधी। क्या ये ऐसे वापस यहां पे आ जाएगा, बताओ, दोबारा यहां पे आ जाएगा, बताओ, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, बताओ, सॉरी ओरिजिन पे आ जाएगा, बताओ। ये पूरा घूम जाएगा इस बार इस तरीके से, तो पाथ समझ में आया आपको। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वो जा ही नहीं पाएगा, वो एंट्री नहीं कर पाएगा इसमें। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ओवल शेप में होगा क्या? अरे दोनों ही सर्कुलर पाथ होंगे। दोनों ही सर्कुलर पाथ होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कुलर है, इसमें सर्कुलर है, बस अंतर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट रेडियस अलग है और थर्ड वाले में रेडियस अलग है। ओके, अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहे हैं अब। ठीक है, इनके कुछ वेरिएशन देखेंगे हम लोग। अब इन दोनों के आने पर कैसे कैसे होता है वेरिएशन, तो इसमें कुछ केस नंबर वन पे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक दोनों आपस में पैरेलल हैं इस तरीके से। दोनों सेम डायरेक्शन लगा रखा है, अब क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया रेस्ट से, बीच में चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया रेस्ट से, बताओ क्या क्या होगा, सोचो उसके बारे में। एफ नेट, एफ मैग्नेटिक जीरो, ठीक है, एफ मैग्नेटिक जीरो, एफ फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
आप एक काम करो, सिंपल सा फोर्स देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, देखना ध्यान से क्या क्या होगा। फोर्स क्या होगा, क्यू ई, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स होगा, जीरो। बताओ, इतनी बात समझ में आई इतनी पहले तो, इतनी बात समझ में आई। अब बताओ ये फोर्स इसको क्या करेगा, ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को जो रेस्ट पे है क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, करेगा एक्सीलरेट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अब बढ़ेगी वेलोसिटी। अब देखो कुछ समय के बाद, देखो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बताओ क्या होगा आफ्टर सम टाइम। इसके पास वेलोसिटी जो बढ़ेगी इसी डायरेक्शन बढ़ेगी, बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ेगी, बताओ वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल होंगे, क्या बताओ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल। जब ये ऑलवेज पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा हमेशा कितना फोर्स लगेगा, जीरो। नेट फोर्स ऑलवेज कितना होगा, नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, क्यू ई। आया समझ में, चलो सही है। नोट कर लो ये, चलते हैं आगे, केस नंबर टू पे चलते हैं। डन, अब देखो केस नंबर टू काफी आसान है, तुरंत कर दोगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, और वेलोसिटी भी पैरेलल है चार्ज पार्टिकल की। एक चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताओ फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाई मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नेट फोर्स और एक्सीलरेशन, क्या लिख पाएंगे बताओ, क्या ये चारों बातें लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। लिखो आप लोग,
हो गया, ठीक है, आसान है। देखो क्यू ई जीरो, क्यू ई अपॉन एम, पाथ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सभी का सही बताओ। कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? अब देखते हैं आगे। ई पैरेलल बी, ये तो है, और इसी तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस बार क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई किसी एंगल पर, ठीक है, किसी एंगल पर वेलोसिटी दी गई, तो आप एक काम करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका मोशन देखो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन देखो, और दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल होता तो कैसा पाथ होता, अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड में होता तो क्या पाथ होता, अगर दोनों हो गए तो सुपर सुपर इम्पोज कर दो, बस इतना ही करना है। ट्राई करो एक बार, सोचो इसके बारे में एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, एब्सोल्युटली करेक्ट, जबरदस्त बेटा, पवन बेटा, बाकी लोग सोचें, बताएं। चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, इधर देखो सभी लोग, क्या हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल में किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाता है, उसके पास एक कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट जो हमेशा सेम रहता है, हर पॉइंट पे वी कॉस थीटा सेम रहता है, और एक फोर्स एम जी हमेशा नीचे लगता रहता है। इतनी कहानी सबको याद है, बताओ क्या ये फोर्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी को चेंज कर सकता था कभी भी? क्या ये एम जी फोर्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी को चेंज कर पाया? कभी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। उसी प्रकार देखो, वी है, इसको तोड़ दिया, वी कॉस थीटा, और इधर आया वी साइन थीटा, ठीक है। अब आप दिमाग लगाना इसमें, आप मेरे पास दो कंपोनेंट है, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा। अब बताओ वी कॉस थीटा वाले पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? बताओ पूर्णिमा बेटा, वी कॉस थीटा वाले पार्ट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो, स्नेहा जीरो। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकता वो। क्या बताओ, वी कॉस थीटा वाले पर को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या एक्सीलरेट कर सकता है? क्यू ई अपॉन एम से, क्यू ई अपॉन एम से क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, तो वी कॉस थीटा
लगातार इंक्रीज करता जाएगा, वी कॉस थीटा लगातार इंक्रीज करेगा। अब देखो यहां पर वी साइन थीटा वाले पर मैग्नेटिक फोर्स फोर्स लगाएगा, बताओ वी साइन थीटा वाले पर मैग्नेटिक फोर्स फोर्स लगाएगा। प्रभात बताओ बेटा क्या मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा यहाँ पे, कैसा पाथ देगा इसको? सर्कुलर। क्या वी साइन थीटा में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कोई चेंज ला सकता है? कोई चेंज ला सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका पाथ एक तरफ तो सर्कुलर होगा, दूसरी तरफ ये जो पिच आता है पिच लगातार क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, यानी वी कॉस थीटा लगातार एक्सीलरेट होगा, तो जो पिच की वैल्यू है लगातार बढ़ती है, बताओ। यानी जब मेरे पास केवल मैग्नेटिक फील्ड था तो पाथ कुछ इस तरीके से था, जब मेरे पास क्या आ गया इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया तब क्या हुआ था, इसका जो पिच है अब बढ़ना स्टार्ट करेगा। बताओ आया समझ में? ये जो पिच है लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा लगातार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम? इस तरीके के पिच कहां पर होगा, इस तरीके का पिच कहां पर होगा, इसका एप्लीकेशन मुझे नहीं पता कि इस तरीके का एप्लीकेशन कहां पे करते हैं, किस डिवाइस में यूज करते हैं। कुछ और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, देखो कैसे। ये देखो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, देखो मेरे पास क्या लगा रखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल को इधर भेजा गया वेलोसिटी वी से, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स बताओ है ना, उस पर बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, और फिर बताओ नेट फोर्स, लिख पाएंगे बताओ?
आसान है काफी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन तो आसान है काफी। QVB, QE। अब देखें डायरेक्शन फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो नीचे लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। नेट फोर्स कितना हो गया? QVB माइनस QE। अगर कोई बोल दे पाथ इसका स्ट्रेट लाइन है, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है, इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब हुआ नेट फोर्स कितना हुआ इसका? जीरो। क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू से क्यू कट जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी वी बी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तीनों आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टू ईच अदर। अरे नहीं ऐसा नहीं है, देखो इसका मतलब ये देखो, अगर क्यू वी बी आपने पॉजिटिव ले लिया, क्यू वी बी आपने पॉजिटिव लिया, क्यू ई कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा बेटा। एफ जीरो हमेशा होगा, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो एफ नेट तो जीरो ही होना पड़ेगा, वरना अगर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ, मान लो कुछ नेट फोर्स ऊपर हो गया तो पाथ चेंज हो जाएगा इसका, अगर नीचे हुआ था नीचे कुछ ना कुछ पाथ चेंज हो जाएगा। अगर बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन जा रहा है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ठीक है पवन बेटा, ओके। इमोशनल ईएमएफ, अब देखो होने वाला क्या है। एक लगा है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अब देखो यहां पर ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है,
इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रखी है रॉड, और रॉड कैसी है? रॉड है कंडक्टिंग। रॉड है कंडक्टिंग, ठीक है। अब ध्यान देना और सोचना इसके बारे में, इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर क्या क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, जो अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन सिंपल बोल दिए, जो बाहर जिनकी एनर्जी बहुत कम है उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस जो है वो तो मूव करता नहीं है, मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते नहीं है, कौन मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बताओ, इतनी कहानी क्लियर सभी को? कंडक्टिंग रॉड के बारे में इतनी कहानी क्लियर है सभी को? अब देखो क्या हुआ, अब मैं केवल और केवल ऑब्जर्व करने वाला हूं, एक सिंपल से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने वाला हूं। ये है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया, इस रॉड को वेलोसिटी दे दी, इस रॉड को वेलोसिटी दे दी, तो बताओ क्या ये वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन को भी मिल गई? क्या ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को ही मिल गई? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है आगे की तरफ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की तरफ मिल गई। क्या इस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? बताओ प्रवीण। फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगता है? फिर अब देखो फोर्स लगा इस पर, कहां पर? नीचे की तरफ। फोर्स कहां लगा? नीचे की तरफ। नीचे क्यों लगा? क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन चल के कहां तक पहुंच सकता है? यहां तक पहुंच सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से इस तरफ आएगा तो अंदर बताओ क्या छोड़ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? मान लो कि यहां पर देखो, मेरे पास ऐसे देखो, होता क्या है कि ये मेरे पास क्या एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अच्छे से बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बता रहा हूं उसके बारे में, ध्यान से देखो समझना एक बार। ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया तो इधर गया, जैसे ये इधर गया तो क्या हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब बताओ इस तरीके से जब ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुई तो यहां पे क्या बताओ आ गया लास्ट में? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आ गया बताओ। और यहां पे जो लास्ट वाला ऊपर वाला था वहां पे तो क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पे क्या आ गया? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। बताओ कहानी क्लियर? अब देखो यहां से, क्या इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे। तो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक आया, यहां पे दो की कमी हो गई। अब बताओ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे
मान लो दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर आ गए, तो इन चार्जेस की वजह से, इन चार्जेस की वजह से, एक मिनट रुकना, तो जैसे जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, वैसे ही क्या अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट करेगा? बताओ। वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना स्टार्ट कर देगा, बताओ। है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की चार्ज की तरफ। अब बताना, देखना कहानी, देखना मेरी क्या क्या कहानी है। रॉड मूव हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, कौन सा? मैग्नेटिक। इसने क्या दिया? इसने शिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? शिफ्ट हुए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस सेपरेशन की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। अब बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्या वो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा? जो आगे आने वाले, मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उन पर फोर्स लगाएगा, बताओ? है ना, तो अब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स पर पहले फोर्स इधर लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ऊपर तरफ क्या लगेगा? एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, तब तक शिफ्टिंग कहां होती रहेगी? नीचे की तरफ होती रहेगी, बताओ। सबको दिख रहा है? जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहेगा, तब तक शिफ्टिंग नीचे होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर इतने हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर एफ ई और एफ एम इक्वल हो जाएगा, बताओ। पूरी कहानी समझ में आ गई सभी को? क्या क्या हुआ? एक सिंपल से, एक रॉड के मूवमेंट से क्या क्या हुआ, समझ में आया? है ना, तो अब देखो क्या हुआ, और देखते हैं ध्यान से। मान लो कि कुछ समय के बाद में एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। जब क्या हुआ, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर अब मूव करना बंद कर दिया, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर दिया।
तो अब बताओ अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर ऊपर क्या लगा? एफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे क्या लगा? नीचे क्या लगा? एफ मैग्नेटिक। वेलोसिटी इसकी रॉड की आगे, बी कैसा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी यहां पर क्या आया मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मेरे पास क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अंदर क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लेंथ है मेरे पास है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां पर होगा वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही होगा। तो रॉड के मूव करने से रॉड के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। है ना? बताओ, मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड को मूव करा दिया तो रॉड क्या बन जाएगी? रॉड के क्रॉस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया तो क्या बन जाएगी? लाइक अ बैटरी हो जाएगी। बताओ, लाइक अ बैटरी मतलब एक रॉड है वो कैसे बिहेव करेगी? लाइक अ बैटरी बिहेव करेगी। है ना? चलो फिलहाल तो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक, कितना हुआ? ई बी वी, ई इंटू कैपिटल ई, ई से ई कट गया। अब देखो ई की वैल्यू कितनी आई? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लिया आपने? वी इंटू एल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अपॉन एल इक्वल्स टू बी वी एल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? बी वी एल। जहां पर बी और वी और एल तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया नोट। डन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? एक जो रॉड है वो ऐसे जा रही है वी वेलोसिटी से,
क्या बन गई है, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसको ऐसे बोल सकते हैं, बताओ। बैटरी बन गई, कितनी बैटरी बन गई, BVL की। यहाँ पे L क्या है इसकी, लेंथ। बताओ ऐसा बोल सकते हैं क्या इसको, इस रॉड को ऐसा बोल सकते हैं, BVL का बैटरी बन गई, है ना। चलो सही है। अगला देखो, अगली देखो, मेरे पास क्या है, रॉड इस तरीके से है, रॉड इस तरीके से है मेरे पास, तिरछी है ये, है मेरे पास कितना थीटा, लेंथ है देखो मेरे पास एल, और वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है। अब बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। BVL साइन थीटा। बाकी लोग बताएं क्या करो, इस एल लेंथ को ब्रेक कर दो, इस एल लेंथ को ब्रेक कर दो दो पार्ट में, ये हो जाएगा एल साइन थीटा और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा वाला कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जीरो। एल कॉस थीटा वाला कितना देगा पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। कौन देगा, केवल और केवल एल साइन थीटा वाला, कितना जाएगा, बी वी एल साइन थीटा। बताओ समझ में आया सभी को। प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, प्रवीण, निहारिका, पूर्णिमा, पवन, अनय, है ना। ओके चलो सही है। अब देखो मेरे पास क्या है, एक रॉड है, इस रॉड को इस पॉइंट पे हिंज है, हिंज का मतलब यहां पर इसके अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो इसको इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पहला आप बताओ कौन सा पोटेंशियल किस पॉइंट का, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहले आप ये बताओ मुझे। केवल देखो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड होगा, ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, ए की तरफ या बी की तरफ,
तुरंत क्या करो, यहां पर क्या ले लो आप, एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ले लिया, अब बताओ ऐसे घुमाया जा रहा है, हर एक पार्ट की वेलोसिटी कहां पर है, वेलोसिटी कहां पर है, ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे है ना। अब देखो इस पर लगाओ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, कहां पे लगा फोर्स, बी की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बी की तरफ, तो बी वाला जो पॉइंट है वो कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज, ए वाला कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा वी। प्रवीण कुमार गौरव, क्लियर, इतनी समझ में आ गई। अब ये बताओ मुझे, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो स्पीड होती है क्या रेडियस पर डिपेंड करती है, बताओ क्या उसकी स्पीड रेडियस पर डिपेंड करती है, कितनी रेडियस है। तो जैसे हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग होगी क्या, जितने भी इसमें पॉइंट हैं सभी की स्पीड अलग अलग होगी है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया डी एक्स लेंथ का, ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डी वी लिखने वाला हूं, कितना बी, वहां पे उसकी वेलोसिटी वी, उसकी लेंथ कितनी डी एक्स, बताओ इस बात से सहमत हो, एग्री हो, बताओ, जो छोटा सा एलिमेंट लिया उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी वी डी एक्स। अब बात आती है वी की, तो वी कितना होगा, एक्स ओमेगा, यहां से एक्स डिस्टेंस ओमेगा से घूम रहा है तो स्पीड कितनी होगी, एक्स ओमेगा, बताओ। अब क्या करें, डी वी इक्वल्स टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स, क्या करते हैं हम इसको, इंटीग्रेट है ना, ए से लेके कहां से करना है, ए से लेके बी तक, है ना, जीरो से लेके एल तक कर दिया, कितना आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, नोट कर लो उसको। नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 5:30 पर, आज जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना केमिस्ट्री की वो स्टार्ट होगी
5:30 पे स्टार्ट होगी, ओके। अब बात करते हैं फिजिक्स की क्लास स्टार्ट, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। एक तो जो इसमें बचा हुआ है वो वाला पार्ट पढ़ लेंगे, प्लस टॉर्क एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। कोशिश करेंगे खत्म कर दें इसको चैप्टर को इसमें। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे देखो, वरना 2 क्लास तो कम से कम लगी जाएंगी, ओके। बाय सभी को।